स्वागत है। मैं हूँ नेहा परिहार। आज हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की प्रथम रूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा और आराधना विधि विधान से की जाती है। हिंदू धर्मों के अनुसार देवी शैलपुत्री का जन्म शैलराज के यहाँ हुआ था और इसलिए ये शैलजा पुत्री कहलाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा और आराधना का विधान है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी शैलपुत्री का जन्म शैलराज के यहाँ हुआ था, इसलिए वह शैलसुता यानी शैलपुत्री भी कहलाई जाती है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार माँ भगवती संपूर्ण संसार की शक्ति का स्रोत है। इन्हीं की शक्ति से इस धरती पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। कथा है कि देवी पार्वती शिव से विवाह के पश्चात हर साल 9 दिन अपने मायके यानी पृथ्वी पर आती थी। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री वाहन वृषभ में सदा विराजमान रहती हैं। माँ के दाहिने हाथ में सुशोभित त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और बाएं हाथ में सुशोभित कलम प्रतीक है माँ सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी भक्त माँ की सच्चे मन से आराधना करते हैं माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में विधि पूर्वक यदि देवी के सभी रूपों की आराधना की जाए तो मनचाहा वर हासिल होता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए माँ को श्वेत वस्त्र एवं सफेद पुष्प ही अर्पित किए जाते हैं। पार्वती रूपा भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना से साधक की योग यात्रा की पहली सीढ़ी बिना बाधाओं के ही पार हो जाती है। योगी जन प्रथम नवरात्रि की साधना में अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित शक्ति केंद्र की जागृत में तल्लीन कर देते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देवी माता की कृपा आप सब